अरे सैम, आ गए तुम? हाँ पापा, आ गया मैं। आप सोए नहीं? बेटा, जिसका जवान बेटा इतनी रात को घर से बाहर हो, उसे नींद कैसे आएगी? चलो सैम, तुमने नशा किया है? सॉरी पापा, दोस्तों ने कर। बदतमीज! सॉरी पापा, आज की बात नहीं होगा। आज के बाद अगर इस हालत में है तो घर में कभी घुसने नहीं दूंगा। चलो आओ, तुम्हारी मां के जागने से पहले तुम्हें कमरे में ले जाऊं। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। पापा, कल रात के बाद मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। तो मैं इस बात को पक्का समझूं? ओके, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख होता है बेटा। चलो ओके, उठो ना और कॉलेज जाओ। क्या यार, आज तो बोर। हाँ यार, आज तो सच में बोर। Hey guys, get ready। अभी अपना हीरो। Hey Sam, आ गया तू? चला पार्टी करते हैं। विश्वासी पार्टी? मैं कोई पार्टी वार्टी नहीं करूंगा। ये क्या बोल रहा है बे? पागल हो गया तू? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या नहीं जाएगा? क्या नहीं? हाँ सही बोल रहा हूँ। कल जिस हालत में मैं घर गया था, उसकी वजह से मेरे को बहुत बुरा लगा। और जो कल हुआ, जिस हालत में मेरे को मेरे पापा ने कल देखा, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मैं कोई नशा वशा नहीं करूंगा और कहीं नहीं जा रहा हूँ। क्या यार सैम, एक ही बार में घबरा गया? चल आज ज्यादा नहीं करेंगे। एक बार बोल दिया नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, बस। क्या सैम, क्या मेरे लिए भी नहीं? अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है मेरी जान। यस यस। क्या है बे, तेरे को रोज रोज हारने की आदत पड़ गई है क्या? और दम की क्या बात करता है? दम बाइक में नहीं, बाइक चलाने वाले में होना चाहिए। चला तेरे को दम दिखाता हूँ। समझाओ अपनी हार बर्दाश्त हुई क्या? कल फिर आइयो इसी समय इसी जगह, मैं तो जीत के दिखाना।
ये कोई टाइम है घर आने का? सॉरी मम्मा लेट हो गया। ये क्या सैम तुमने नशा किया? अरे यार मैं थका हुआ हूँ। मुझे पता है तुमने नशा किया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ? तुम्हारी लाइट प्यार का नतीजा है। मना किया था ना सर पे मत चढ़ाओ, ये बच्चा है। पता है ना क्या आप ही की गलती थी? आप भुगतो। सैम क्या है ये, क्या है ये, क्या यही दिन देखने के लिए मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी करता हूँ? सॉरी पापा आज के बाद नहीं होगा। बस आज के बाद तुम्हारा घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद, और ये चाबी दो। पापा प्लीज ऐसा मत करो पापा। बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया, आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता है सैम कहाँ है? अभी तक घर नहीं आया, रात का 1 बजा है। तुम घबराओ मत, वो आ जाएगा। लेकिन आपने उसको अच्छे तरीके से बिगाड़ दिया है। तुम टेंशन ना लो, वो आ जाएगा, तुम जाओ।
देखा है? हाँ। आपने बड़े थोड़े लेट कर दिया आने के लिए, लेकिन अभी उनको कुछ मेजर इंजरी की वजह से आई एम सॉरी उनकी दोनों टांगें काट दी कुछ रूल बाई दिस फाइन अभी तक से बात क्या मैं मिल सकता हूँ बिल्कुल चाहिए लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा बात करते हैं पेशेंट्स बिल्कुल देखो कविता क्या हो गया हमारे सैम को ये सब मेरी गलती है पापा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है काश मैं आपकी बात मान लेता उन गंदे ग्रुप के लड़कों के साथ दोस्ती ना करता तो आज मेरा यह हाल ना होता दोस्तों मेरे पापा के लाख समझाने के बाद भी मैं नहीं माना जिस चीज के लिए माँ बाप मना करते हैं उसे मान लेना चाहिए क्योंकि माँ बाप जो समझाते हैं बच्चों के भले के लिए ही समझाते हैं कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते मेरे साथ तो ये हो गया लेकिन हमारी कोशिश से किसी एक को भी सीख मिलती है तो हम समझेंगे हमारी कोशिश कामयाब होगी थैंक यू